जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको बता दें कि आपके UP SSSC वीडियो का री एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जिसके लिए हम आपको संपूर्ण GK और संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि GK में चाहे वो आपका इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको GK और हिंदी का सिलेबस मिलने वाला है। तो उसी क्रम में दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बौद्ध धर्म के पास, ठीक है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, पिछले वीडियो हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और आपको बता दें, जल्द ही दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट के भी एग्जाम लगने वाले, तो आपके लिए सारी क्लासे हर एक एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगी, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सब कुछ दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि साथियों, आप जाइए प्लेलिस्ट पे, देखिए आइए ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में, तो आपको दिखेगा ये, देखिए UP SSSC वीडियो एग्जाम फुल कोर्स, यहाँ पे आप आइएगा। देखिए ये सभी प्रकार के हमने अलग अलग वो बना दिए हैं, ठीक है। देखिए जैसे हिंदी साहित्य के लिए ये पढ़ लीजिएगा, फिर संपूर्ण हिंदी के लिए ये वाला प्लेलिस्ट, और दोस्तों आपके लिए संविधान के लिए ये पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, बहुत सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे, जैसे आपको यूपी स्पेशल हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इस तरीके सारी PDF प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात आती है बौद्ध धर्म की, तो आपको पता है कि यहाँ से दोस्तों लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध जी हैं, ठीक है। और महात्मा बुद्ध जी के और भी नाम हैं, जैसा कि आपको पता है UPSI में पूछा गया है कि इनके अन्य नाम कौन से हैं। दोस्तों शाक्य मुनि कहते हैं इनको, तथागत कहते हैं, और एशिया का प्रकाश पुंज, दोस्तों याद रखेगा एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इनके जन्म की बात करूँ तो जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बनी वन, दोस्तों आपको पता है कपिल वस्तु में पड़ता नेपाल में, दोस्तों इनका जन्म लुम्बनी वन नेपाल में हुआ था कपिल वस्तु के पास, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, सुद्धोधन, दोस्तों वो शाक्य गणराज्य के थे, ठीक है। उनका दोस्तों वो किस गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य के थे दोस्तों, सुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। और आपको बता दूं कि बुद्ध भी शाक्य गण के एक क्षत्रिय थे, ठीक है, एक क्षत्रिय कुल के थे दोस्तों। SSC GD 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो SSC GD के एग्जाम हुए, कि ये दोस्तों किससे थे दोस्तों, आपको क्षत्रिय वंश से थे, ठीक है, शाक्य गण के एक क्षत्रिय थे, ठीक है। इनकी माता जी का नाम क्या था, तो महामाया देवी इनकी माता का नाम था दोस्तों, ठीक है। ये कोलीय गणराज्य से थी, यानी इनकी माता श्री किससे थी, कोलीय गणराज्य से। देखिए पिता किससे थे, शाक्य गणराज्य के, और माता कोलीय गणराज्य से थी। और इनका जो पालन पोषण था, आपको पता है इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी जी इनका पालन पोषण करती हैं बचपन में, ठीक है। और साथियों आपको बता दूं कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, देखिए बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका गोत्र जो था दोस्तों गौतम, ठीक है, गोत्र क्या है गौतम, और बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनका विवाह छोटी उम्र में, यानी 16 साल की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है, किससे, यशोधरा से। जो यशोधरा आती है दोस्तों, वो कोलीय गणराज्य की थी दोस्तों, जिस गणराज्य की इनकी माता श्री थी, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, जहां से इनकी माता श्री थी, जिस गणराज्य से, उसी गणराज्य से इनकी शादी होती, यानी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा बताएंगे। इनको दोस्तों एक पुत्र होता है, जिसका नाम क्या होता है, राहुल रखा जाता। इनका सारथी क्या था दोस्तों, सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है, पूछा गया है ग्रुप डी रेलवे में। और इनके घोड़े का नाम कंथक था दोस्तों, एक एक चीज याद रखेंगे, सारथी का नाम चन्ना, घोड़े का नाम कंथक, ठीक है। सारथी का नाम क्या था दोस्तों, चन्ना, घोड़े का नाम कंथक दोस्तों, ठीक है। और पुत्र का नाम राहुल, और पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और मम्मी का नाम क्या था दोस्तों, माता का नाम महामाया था, और पिताजी का नाम क्या था, सुद्धोधन। ये सब चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए अब दोस्तों पूछा जाएगा कि कई बार पूछा गया, UPSI में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो याद रखेगा अलार कलाम जी इनके प्रथम गुरु थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, आपको पता है कि 35 वर्ष की आयु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोध वृक्ष कहते हैं ना, बोध वृक्ष कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में। आपको पता होगा गया दोस्तों बहुत ही फेमस है, ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए। तो बोध गया बिहार में दोस्तों किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में निरंजना नदी न दे करके पुनपुन नदी दे दे, तो वो भी सही होगा। ये आपके UP SSSC वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया, और यही क्वेश्चन सेम दोस्तों UP SSSC PET में भी पूछा गया। आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को
दोस्तों किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों? निरंजना नदी, ठीक है। कहां पर हुआ था? तो बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? पीपल का वृक्ष था, जिसे अब बोध वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को दोस्तों बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। ये गौतम का नाम बुद्ध कैसे पड़ा? तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, तब से इनका नाम बुद्ध हो गया, तो ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया, याद रखिएगा। फिर दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो दोस्तों ये प्रथम उपदेश देते, देखिए जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो उपदेश दिया जाता ना दोस्तों। प्रथम उपदेश कहाँ देते? ऋषि पत्नम, जो कि देखिए जो कि पहले क्या था ऋषि पत्नम, तो जिसका वर्तमान नाम क्या है? सारनाथ। तो याद रखिएगा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया है और 2021 के यूपीएसआई पेपर में पूछा गया कि प्रथम उपदेश दोस्तों कहां दिया? तो ऋषि पत्नम सारनाथ में। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश वाली घटना क्या कहते हैं? तो अब बताइएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि पेट और यूपीएसआई दोनों पूछा गया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए गए दोस्तों इनके द्वारा? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गए। आपको बताऊंगा श्रावस्ती के बारे में, यूपी में पड़ता है दोस्तों, और आपको श्रावस्ती से एक चीज याद कर दोस्तों, ये सबसे अशिक्षित जिला, मतलब सबसे कम शिक्षित जिला है आपका यूपी का, ठीक है, श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा देखिए पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? पाली भाषा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यूपीएसआई कई जगह दोस्तों, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पाली भाषा। गौतम बुद्ध की कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। और इनके शिष्य कौन थे दोस्तों? आपको बताते हैं इनके शिष्य थे आनंद और उपाली। शिष्य कौन थे दोस्तों? आनंद और उपाली। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने तपस और मालिक नामक दो सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। किसको? तपस और मालिक नाम के दो सूत्रों को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनकी मृत्यु कब होती है? तो आपको बता दें कि 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन हो जाती है दोस्तों। कहां पर? कुशीनगर, जिसको पहले कुशीनारा कहते थे। आपको होगा पता है ना कुशीनगर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है ना। चलिए तो कहां होता है इनकी मृत्यु दोस्तों? कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर, जिसको पहले कुशीनारा कहते थे। और इस घटना यानी मृत्यु वाले घटना दोस्तों महापरिनिर्वाण कहते हैं, और ये यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको याद रखना है पहला उपदेश कहां दिया दोस्तों? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। और मृत्यु कहां हुई दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कुशीनगर में। ज्यादातर दोस्तों इनका जीवन काल दोस्तों उत्तर प्रदेश के ही संबंधित था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के भक्त द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों हिंदू माह वैशाख में मनाया जाता है दोस्तों। आपको पता है एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कब मनाया जाता है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा? वैशाख में। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, ठीक, आपको याद होगा अगर आप अभी से जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों 2 दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर बात करते हैं इनकी घटनाओं से संबंधित दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले 3 घटनाएं इनके जीवन से आपको याद रखनी है। पहला ग्रह त्याग को आपको पता है, ग्रह त्याग की घटना को महाभीर निष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण मतलब निकलना, लीजिएगा कि ग्रह त्याग के घर त्यागने की घटना को हम महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं, यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। और प्रथम उपदेश जहां इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था कहां दिया था? सारनाथ में। तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट पूछा गया और वीडियो के एग्जाम में दोनों में पूछा गया। और मृत्यु वाली घटना जो कि आप पता है कुशीनगर में हुआ था इनकी मृत्यु दोस्तों, जिसको कुशीनारा कहते थे, इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और ये यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि देखिए बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, जन्म और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और मृत्यु, तीनों के तीनों दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था, इसीलिए दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, मृत्यु भी और ज्ञान की प्राप्ति भी, तीनों तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। चलिए बुद्ध के जीवन संबंधित कुछ उनके प्रतीक जान लेते हैं। जैसे गर्भ में जब थे बुद्ध जी तो उसको हाथी के प्रतीक से दर्शाते हैं,
जन्म को दोस्तों कमल कहते हैं और यौवन की अवस्था को दोस्तों सांड कहते हैं और ग्रह त्याग दोस्तों घोड़ा यानी महाभेद निष्क्रमण का चिन्ह क्या है प्रतीक चिन्ह घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति दोस्तों पौधा कहाँ प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के नीचे दोस्तों बोधि वृक्ष इसका ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह होगा और निर्वाण दोस्तों पद चिन्ह जाएगा और मृत्यु आपको पता है स्तूप बनाते दोस्तों तो स्तूप हो जाएगा मृत्यु का इसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है। तो ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण और किससे दर्शाते घोड़ा से दोस्तों और मृत्यु वाले को स्तूप के नाम से दर्शाते स्तूप चिन्ह से दर्शाते हैं जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं ठीक है। देखिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये ग्रह त्याग क्यों करते हैं दोस्तों चार दृश्य देखते हैं ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा देखे गए चार दृश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दोस्तों ये कौन कौन से चार दृश्य देखते हैं आपको बता दें कि ये एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं ठीक है एक बीमार व्यक्ति देखते हैं और फिर एक मृत शरीर देखते हैं और एक सन्यासी देखते हैं। चार चीजें देख करके दोस्तों ये अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। अगला दोस्तों चार आर्य सत्य इनके द्वारा बताया गया दोस्तों कौन से एक होता है दुख एक होता है दुख समुदाय और तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दोस्तों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों ये चार क्या है आर्य सत्य बताए गए ठीक है इनको भी याद रख लेंगे ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों ये क्या बताएगा गौतम बुद्ध ने दोस्तों दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के उपाय बताए बता इन्होंने कहा कि अगर आप दुख का निवारण करना चाहते हैं दोस्तों आपको ये आठ मार्ग अपनाने पड़ेंगे ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा दुख से दोस्तों निवृत्ति दुख से छुटकारा पाने के लिए आठ मार्ग बताए कौन कौन से आठ मार्ग है दोस्तों। पहला है सम्यक दृष्टि सही देखे सम्यक संकल्प सही संकल्प ले सम्यक वाक सही ढंग से बात करें ठीक है सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका ठीक है पांचवा सम्यक जीविका और छठा दोस्तों सम्यक व्यायाम व्यायाम करें दोस्तों सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि दोस्तों ये आठ अष्टांगिक मार्ग हैं ठीक है याद रखेंगे। और दोस्तों बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं तीन रत्न हैं ठीक है ये आपके टेट में पूछा गया है तो कौन कौन से हैं बुद्ध धम्म संघ देखिए तीन दोस्तों त्रिरत्न बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न थे और बौद्ध में भी हैं ठीक है तो ये आप याद रखिएगा बुद्ध धम्म संघ। अब बात करते हैं दोस्तों बुद्ध की पंचशील सिद्धांत का वर्णन दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में किया गया यानी कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया। और आपको बता दोस्तों कि इनका जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है दोस्तों त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। देखिए त्रिपिटक को देखिए पिटक मतलब होता है दोस्तों टोकरी ठीक है यानी त्रिपिटक को थ्री फोल्ड बास्केट भी कहते हैं दोस्तों। ये देखिए यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपके यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया। देखिए क्या पूछता क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है तीनों पिटक देंगे और उनमें से एक अलग दे देंगे दोस्तों ये पूछा है कौन सा त्रिपिटक नहीं है। तो बौद्ध धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ आप त्रिपिटक कह सकते हैं। देखिए त्रिपिटक में कौन कौन सा है सुत्त पिटक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों सुत्त पिटक को लिखा किसने तो आनंद ने लिखा। आपको बता दें इसमें क्या दिया गया है तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। देखिए ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो परीक्षा आई थी दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं का पुवर्चित दोस्तों किसमें किया गया दोस्तों सुत्त पिटक में। ये क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया। दूसरा दोस्तों विनय पिटक उपाली द्वारा लिखा गया इसमें क्या है तो बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम दोस्तों बौद्ध धर्म के जो नियम हैं आचार विचार हैं वो दोस्तों विनय पिटक में लिखे गए हैं। और अभिधम्म पिटक किसने लिखा तो मोगिल पुत्र तिस्से द्वारा लिखा गया बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें है किसमें अभिधम्म पिटक में। तो आपसे पूछेगा जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित आप बताइएगा बौद्ध धर्म से किस भाषा में लिखेगा दोस्तों पाली भाषा में। और दोस्तों कौन कौन से तो बताइएगा सुत्त पिटक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ठीक है ये चीज याद रखना। चलिए आगे देखते हैं अब बौद्ध संगीता देखते हैं यहां से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों याद रखेगा बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों जो बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी होती है दोस्तों पहली बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों 483 ईसा पूर्व होती कहां होती स्थान का नाम क्या था तो राजगृह जिसको राजगीर भी कहते हैं ये आपके पेट 2022 में पूछा गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर यानी कि राजगृह में और अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं महाकश्यप होते हैं यानी यूपीएसआई 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। और शासन किसका शासन होता दोस्तों उस समय तो अजात शत्रु का तो यानी प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय होती है अजात शत्रु के। अध्यक्ष कौन होते हैं महाकश्यप कहाँ होती है राजगृह में होती है। और दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ होता वैशाली दोस्तों वैशाली आपको पता बिहार में पड़ता है ठीक है। वैशाली में अध्यक्ष कौन होते हैं सावक मीर होते हैं दोस्तों और किसका शासन काल होता है तो कालाशोक का। द्वितीय संगीति दोस्तों किसके समय कालाशोक के अध्यक्ष सावक मीर और कहाँ पर दोस्तों वैशाली में
वहीं बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीत दोस्तों, तो तीसरी संगीत दोस्तों 250 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ होती है स्थान दोस्तों? पाटलिपुत्र। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन होते हैं? मुगलिपुत्र होते हैं। और किसके शासनकाल में दोस्तों? अशोक के। देखिए क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आपसे पूछेगा तीसरी बौद्ध संगीत के समय किसके समय हुई? अशोक के समय। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष दोस्तों ठीक है मुगलिपुत्र, ठीक है। अब दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, यार कहेगा प्रथम शताब्दी में कहां हुआ? तो स्थान दोस्तों कुंडलवन यानी कश्मीर में पड़ता है, क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? तो वसुमित्र होंगे। यहां पर दोस्तों उपाध्यक्ष भी हुए थे, ये पूछा जा सकता है। तो अश्वघोष के समय, अश्वघोष दोस्तों उस समय उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कनिष्क के। उपाध्यक्ष अश्वघोष, अध्यक्ष वसुमित्र, कहां? कुंडलवन में, ठीक है। और आपको बता दें चौथी बौद्ध संगीति थी, इसी बौद्ध संगीति में दोस्तों क्या होता है? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से? एक महायान और एक हीनयान। महायान दोस्तों वसुमित्र के साथ और हीनयान दोस्तों महाकश्यप के साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, तो हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ जाता है चौथी बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें देखते हैं, जैसे एक है विभाषा शास्त्र दोस्तों वसुमित्र द्वारा लिखा गया। क्या? विभाषा शास्त्र दोस्तों वसुमित्र द्वारा लिखा गया, और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश या फिर बौद्ध धर्म का बाइबिल कहते। किसको? विभाषा शास्त्र पुस्तक को दोस्तों, जो कि वसुमित्र द्वारा लिखा गया, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश या फिर बौद्ध धर्म का बाइबिल भी कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों बुद्ध चरित्र, ठीक है। अश्वघोष द्वारा लिखा गया क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और आप बता दें जो अश्वघोष है ना, इन्हें भारत का हेटे या भारत का वाल्टेयर या भारत के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? अश्वघोष को भारत का हेटे, भारत का वाल्टेयर और भारत के पहले कवि भी कहा जाता। और दोस्तों आप बता दें कि इस समय शिक्षा के केंद्र कौन से थे आपके बौद्ध धर्म के समय? दोस्तों शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे यानी कहां पढ़ाई होती थी? तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी का थे शिक्षा केंद्र थे उस समय, ठीक है। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के दोस्तों तीन गुरु हुए मुख्यतः, ठीक है। पहले गुरु, प्रथम गुरु जिनको बोलते हैं अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे, और दोस्तों रुद्रक पुत्र राम दोस्तों ये योग दर्शन के गुरु हुए, और बृहस्पति दोस्तों ये वैदिक दर्शन के गुरु हुए दोस्तों। और याद रखिएगा कि पहली मानव जिनकी प्रतिमा, ठीक है समझिएगा, पहली मानव प्रतिमा जिनकी पूजा की गई दोस्तों वो गौतम बुद्ध थे, और गांधार शैली में इनकी पहली प्रतिमा बनाई गई दोस्तों। पहले ऐसे मानव बने गौतम बुद्ध जिनकी पूजा की गई, ठीक है, गांधार शैली में। चलिए अब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे दोस्तों? आप बता दें हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक और गोपाल, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए हमने दोस्तों सब कुछ आपका कुछ ही समय दोस्तों लगभग 18 मिनट के अंदर दोस्तों हमने पूरा बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट करा दिया। आप देखिए आप जाइए एक बार प्लेलिस्ट में, ज्ञान आर्बल में जाइए, और वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों तो आपको थोड़ा नीचे आना है और मिलेगा यूपी RSS वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स दोस्तों। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का दोस्तों यानी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, तो जाइए दोस्तों देखिए बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करके और भी सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ जा करके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इनके PDF आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये हमारा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल आपके टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ देखिए हमने वीडियो पे प्रीवियस पेपर भी डाल रखे हैं, और जो भी क्लासेस चलती हैं उसका भी PDF आपको यहाँ हम सेंड कर देते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।